हेलो फ्रेंड्स, आज हम 32 इंच छाती के लिए टक्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कटोरी की बाजू का जो साइड रहता है वो स्टिच कर रहे हैं। इसके बाद हम कटोरी का अस्तर ज्वाइन कर देंगे। अब हम ये दोनों ही हिस्से एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे डबल टिप लगा देंगे। अब हम टक्स के लिए नाप लेंगे। ये जो गले की साइड है, गले की साइड से हम 1 इंच पर नाप लेने लेंगे नीचे की तरफ से। यहाँ पे 1 इंच पर मार्किंग कर देंगे। ये जो मार्किंग है वो मार्किंग हम यहाँ पे जहाँ पे हमने कटोरी स्टिच की है वो स्टिच लाइन पर रखेंगे ताकि कटोरी का आधा हिस्सा हो जाए। उसके बाद हम नीचे की तरफ से 1.5 इंच और ऊपर की तरफ से 1.3 इंच इस नाप पर मार्किंग कर देंगे ताकि हम आसानी से टक्स बना सकते। ये हमने टक्स बना दिए। अब हम क्रॉस पट्टी ज्वाइन कर देंगे। दो क्रॉस पट्टी हम लगा रहे हैं, एक अंदर की तरफ से और एक बाहर की तरफ से। टक्स का जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से फोल्ड करके बाद में हमें क्रॉस पट्टी स्टिच करनी है इस तरह से। अब हम पूरे ऊपर का जो हिस्सा है उसका रोल कर देंगे और ये जो रोल है दो दोनों क्रॉस पट्टी के अंदर डाल के नीचे की तरफ स्टिच कर लेंगे। अब अंदर जो हमने रोल डाला है वो सब बाहर निकाल देंगे ताकि क्रॉस पट्टी जो हमने ज्वाइन की है उसमें फिनिशिंग आ जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमें कट कर लिया है। इसके बाद हम हुक लगाने के लिए पट्टी बना देंगे। वो पट्टी हम बाहर की तरफ से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे दाब टिप लगा लेंगे। दाब टिप हमें पट्टी की तरफ से लगानी है। हमने बाहर की तरफ से ये पट्टी जो स्टिच की थी वो इसलिए ताकि फोल्ड करने के बाद वो अंदर की तरफ आ सके।
अब वो हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हम गले के साइड पे गोट लगा देंगे। पाइपिंग करनी है हमें। पाइपिंग के लिए हमने छोटी सी जो पट्टी है वो हमें पहले स्टिच करनी है वहाँ पे। अब हम ये जो पट्टी है वो अंदर की तरफ से कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अच्छे से प्रेस करके एक जैसे नाप पर हमें स्टिच करना है। बैक साइड के नेक डिज़ाइन के कारण हम ये अलग अलग पाइपिंग कर रहे हैं। ये हो गई हमारी पाइपिंग तैयार। जिस तरह से हमने एक साइड पूरी स्टिच कर ली है टक्स डाल के, उसी तरह से हमने दूसरी साइड भी तैयार कर ली है। दोनों साइड तैयार करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे।